शिवपुरी में मंगलवार को यातायात सप्ताह के दूसरे दिन यातायात पाठशाला की शुरुआत की गई। एसपी रघुवंशी भदौरिया ने शहर के यातायात थाने पर यातायात पाठशाला का फीता काटकर सौरभ किया। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि इस पाठशाला में उन वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी और दूसरी की जान खतरे में डाल देते हैं। इस एसपी के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई। पहले दिन मंगलवार को 20 वाहन चालकों की पाठशाला लगाई गई जो नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए थे। ऐसे तरीके से हेलमेट उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे दुर्घटना हमारे साथ भी घट सकती है। वो स्टॉप की लाइन पे भी रुकते हैं। हाँ, ये ट्रैफिक पाठशाला का उद्घाटन आज जिले में ट्रैफिक थाने में किया गया है। इसका उद्देश्य मूलतः ऐसे जो नए लड़के हैं या जो वाहन चलाते हैं और रूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें रूल्स की जानकारी देना, उनको समझाना कैसे जो है रूल्स फॉलो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाएं, किस तरह से जो है एक्सीडेंट्स को रोका जाए। जो एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हो रही हैं आप सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट्स जो मरने वालों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उसका मूल कारण जो है हम जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, जो सुरक्षा सीट बेल्ट नहीं लगाते, ये सारी छोटी छोटी जो हम लापरवाही करते हैं उसके कारण जो है ये ट्रैफिक अपराध होते हैं। लाइसेंस जो है उसको सही ढंग से लाइसेंस बना को लेते नहीं, गाड़ी चलाते हैं, इन सारी चीज़ों को उसमें बताते हैं कहाँ पे हमें दाएं बाएं कैसे मुड़ना है, किस प्रकार सिग्नल को देना है, ये सारी चीज़ों को उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे। इसी उद्देश्य इस पाठशाला का उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है और लगातार जो अभी ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह चला जा रहा है उसमें जो है हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।